हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन क्लासेस 3.0 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शारीरिक शिक्षा MCQs टॉप 10 सीरीज पार्ट 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कब रद्द किए गए? ऑप्शन हमारा ए 1904 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1914 में, ऑप्शन डी 1968 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1916 में सर्वप्रथम ओलंपिक रद्द किए गए थे, और दूसरी बार जो रद्द हुए थे वो थे 1940 में, और तीसरी बार 1944 में। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छन जाती हैं? ऑप्शन हमारे ए फेफड़े, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी ब्रक, ऑप्शन डी यकृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रक में जाकर जो रक्त की अशुद्धियाँ होती हैं वो छनती हैं, यानी किडनी में। क्वेश्चन नंबर 3, बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन हमारे ए 3 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 1 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक राउंड की अवधि 3 मिनट होती है, यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का कौन सा प्लेन इसे ऊपरी और निचले हिस्से में विभाजित करता है? ऑप्शन हमारे ए सजाइटल, ऑप्शन बी वर्टिकल, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स, ऑप्शन डी फ्रंटल। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसवर्स जो प्लेन होता है वो शरीर को ऊपर और निचले हिस्से में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉर्नर किक संबंधित है? ऑप्शन हमारे ए फुटबॉल से, ऑप्शन बी हैंडबॉल से, ऑप्शन सी हॉकी से, ऑप्शन डी बास्केटबॉल से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन हमारे ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी लबड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 8, टेनिस सर्व किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन हमारे ए लॉन टेनिस, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी TT, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वॉलीबॉल से। क्वेश्चन नंबर 9, पेनाल्टी स्ट्रोक लेते समय किस कौशल का खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता है? ऑप्शन हमारे ए पुश, ऑप्शन बी हिट, ऑप्शन सी फ्लिक, ऑप्शन डी स्कूप। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिट। क्वेश्चन नंबर 10, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? ऑप्शन है हमारा ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी फैटी एसिड, ऑप्शन सी एमिनो एसिड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। अब हम होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं, और आज के होमवर्क के सवाल हैं हमारे, पहला है डेविस कप संबंधित है? ऑप्शन हमारे ए TT से, ऑप्शन बी टेनिस से, ऑप्शन सी फुटबॉल से, ऑप्शन डी हॉकी से। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन हमारा ए शटल रन, ऑप्शन बी पुलअप, ऑप्शन सी पुशअप, ऑप्शन डी डिप्स। ये आपको बताना है। और जो पिछली बार से पिछले होमवर्क के सवाल दिए थे उसके आंसर मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और ये है पिछला होमवर्क हमारा जो मैंने दिए थे आपको। पहला क्वेश्चन है इसमें, डोपिंग के विरुद्ध शपथ की शुरुआत ओलंपिक में कब से हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2000 सिडनी ओलंपिक से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एनाटोमिकल एज का पता कैसे लगाया जाता है? ऑप्शन हमारे ए मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ऑप्शन बी एक्सरे द्वारा, ऑप्शन सी कैलेंडर द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सरे द्वारा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।